हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चना दाल को भिगो के रखा था पहले से। अब एक कुकर में चने दाल को डाल देंगे उबालने के लिए। तो डाल दिया है, अब इसको उबाल लेंगे। कुकर पे ढक्कन लगा दें अच्छे से, फिर 5-6 सीटी आने पे बंद कर देंगे। ये उबलने में बहुत टाइम लगता है। फ्रेंड देखिए, हमारी दाल पक चुकी है। तो चलिए हम बनाते हैं कढ़ाई में। तो क्या क्या लगेगा? हरी मिर्च लगेगी, टमाटर लगेगा, धनिया पत्ती और चीनी। तो बिना प्याज लहसुन के बनाने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो चलिए, कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें हम घी डालेंगे। डाल दिया है, घी गर्म हो जाए। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, जीरा जीरा हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, डालेंगे चीनी डालेंगे, ठीक है। ये टमाटर अच्छे से पक जाए, फ्रेंड अब इसमें डालते हैं धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिक्स करते हैं अच्छे से मसाले को। बस इसको अदरक लहसुन डाल के भी बनाया जाता है, पर मैं सिंपल में बना रही हूँ रोटी खाने के लिए घर में रात में। तो सिंपल में भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो बस इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला कच्चा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस मसाले को अच्छे से भून जाए। इसके बाद हम दाल डालेंगे और दाल को अच्छे से पकाएंगे। इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि जब दाल उबाले थे तो उसमें नमक डाला था, इसलिए इसे स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल दीजिए। ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि जखन ओटा सिद्ध करेछिलाम तो ओते नून दिएछिलाम, ताई जन्य एकटु कम नून लागबे। चलो आमरा छोलागुला जेटा सिद्ध करेछि सेटा आमि एटा ढेले देब। ये उबाल के रखी हुई थी चना की दाल, अब इसमें हम कढ़ाई में डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे, इसमें नमक चेक कर लेंगे। नमक ठीक है, हरा धनिया डाल देंगे। देखिए अब इस दाल थोड़ा उबल जाए, इसमें उबाल आ जाए तो हम बंद कर देंगे गैस को। तो स्लो फ्लेम में अभी रखें, एक तो मिस्टी चेक करने में, किंतु कि
মিষ্টি যে বেশি খেতে ভালোবাসে তাই জন্য একটু মিষ্টিটা বেশি দিতে হবে, তাই জন্য আমি একটু মিষ্টিটা বেশি দিচ্ছি, একটু মিষ্টিটা কম আছে তাই জন্য। দিয়ে চা ছোলা কলা একটু মিষ্টি খেতেই ভালো লাগে তাই জন্য একটু মিষ্টি দিলাম। तो फ्रेंड मेरी दाल रेडी हो गई है, देखिए अच्छी बनी है। सिंपल तरीका दाल बनाने का, चना दाल छोला दाल। तो उसमें धनिया पत्ती डाल देंगे, तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमारी दाल रेडी है सर्व करने के लिए, देखिए। हेलो फ्रेंड, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और न्यू यूजर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।